देश प्रदेश नाल जुड़े हुए सारे दर्शकों का अज के शो के स्वागत। मैं रणबीर संधु, मेरे नाल ने कमल कुमार भुंबला जी, बी एन ओवरसीज़ एजुकेशन सर्विसिज तो, जो कि गलबात करेंगे सैमीनारा संबंधी और विशेष तौर पर USA और कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स की गलबात होएगी। थोड़ी जी गल असी छोड़ की कोशिश करेंगे उन्होंने विद्यार्थियों की, जेडे इस वक्त चिंता के विच ने कि आस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आ रहा। काफ़ी टैक्निकल गल्लां होणगियां, रवाजन जिहड़े सवाल अक्सर होंदे ने उन्हां तों इलावा थोड़ा जिहा हट के असी अज काफ़ी रिसर्च जिहड़ी कीती है और उन्होंने विद्यार्थियों लिए की है, जिहड़े विद्यार्थी स्पैशली USA दे विच बड़े डर और चिंता दे विच होंदे ने कि वीज़ा लगना नहीं लगना, प्लस टू तो बाद जाइए, ग्रेजुएशन तो बाद जाइए उन्होंने वास्ते, और कनेडा संबंधी काफ़ी सारिया टैक्निकल चीज़ा जिहड़ियां हैगियां लैके आए हैं, क्योंकि आप बतौर एडवोकेट समाज दे विच विचरदे आ। भुंबला साहब ने काफ़ी एक्सपीरियंस जिहड़ा हैगा 20 सालों के तजर्बे दे विच इकट्ठा किया है, जो कि अज असीं तुहाडे नाल सांझा करन दी कोशिश करांगे। भुंबला साहब स्वागत तुहाडा। चैनल सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। भुंबला साहब, एक चीज़ जी सब तो पहले मैं तुहाडे तो पूछनी चाहूँगा, वो ये है कि तुहाडा बहुत वड्डा तजर्बा हो गया, बहुत लंबा जिहड़ा तुहाडा तजर्बा हो गया, इस वक्त 20 साल तुहानू तकरीबन इस इंडस्ट्री नूं जुड़े हो गए। मेरे ख्याल बहुत सारे बच्चे ऐसे जा रहे हैं जो तुम शुरुआत की उन्होंने पैदाइश हुई होगी, उन्होंने जन्म जो है 1994-96 का होगा जी जी, उदों तो तुम शुरुआत की है। बहुत बदलाव आए हैं तकरीबन 10-12 साल तो मैं इस इंडस्ट्री से बदलाव देखता आ रहा है कि कदे UK ने जोड़ा है कोई Tier 4 वीज़ा खोलता, कदे बंद करता, कदे वर्क हॉलीडे मेकर शुरू हो गया, कदे आस्ट्रेलिया बहुत PR खोली, कदे बंद हो गई, कदे कनेडा ने तब्दीलियां लिया, कदे USA ने लिया, कदे न्यूजीलैंड ने लिया। बच्चा हमेशा ही एडवर्टीजमेंट तो प्रभावित होकर अपनी सिलेक्शनस कोर्सा की, अपने डेस्टिनेशनस की, देश की सिटीज़ की करता रहा, और यह भी वो प्रभाव पे है, और विद्यार्थी ने बखूबी इस चीज़ को कबूलिया कि अज न्यूजीलैंड काम है या आस्ट्रेलिया नहीं है, कैनेडा च है, USA च नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड कोई डाटा आंदा विद्यार्थियों को, उधरों जो 2-4 एजेंट्स जिन्हें वीज़े रिजेक्ट हो गया, बच्चे काम नहीं मिले, इधर आके TV रेडियो मैगजीन बोल पे और बच्चे के उस चीज़ का प्रभाव पै गया। 20 साल के तजर्बे के तुसी की कहना चाहते हो कि यह जी उथल पुथल है, ये पिछे की कारण होंगे? कुछ कारण तो यहोज है कि कंट्री की अपनी पॉलिसीज होंगे ने, फॉरन एजुकेशन लैके किस कंट्री दिहोजिया पॉलिसिया ने। जो गल करिए जो अभी 96 शुरू किया तो आस्ट्रेलिया की पॉलिसीज बड़िया लीनियंट सी, 99 के बच्चे आके ये हो गया कि हर बच्चे जो आस्ट्रेलिया जाना चाहता उन्होंने आइल्स एग्जाम लिखना पेगा। उदो यह सोचा जाता है कि इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, पर फिर यहोजा माहौल होया कि हर बच्चा ही वो तैयार हो गया, वह आइल्स एग्जाम लिख के आना शुरू हो गया। 2009 कैनेडा ने आके स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया, उस तो पहला जिथे एक साल के 2000 या 4000 बच्चा जाता सी, वो नंबर मल्टीप्लाई होना शुरू होया। सब तो बड़ा प्रभाव था वो ते पैंदा कि गवर्नमेंट दी पॉलिसीज की है, आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट दी पॉलिसीज की ने, न्यूजीलैंड दी की ने, USA दी की ने, कैनेडा दी की ने, पॉलिसीज अफेक्ट कर दिया ने, नो डाउट। क्योंकि जिम्मे आस्ट्रेलिया की गल कर रही है कि एजुकेशन उन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैगी, सैकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है आस्ट्रेलिया की, और इस तरह थोड़े सालों के 2009 तो ऑनवर्ड से देखना आया कि उन्होंने भी ये लग्या कि जो फॉरन स्टूडेंट साढ़े को आता वो फीस पे करेगा, उत्थे टैक्सिस पे करेगा, उत्थे काम करेगा, 2-4 साल पढ़न तो बाद वर्क परमिट लैन तो बाद उन्होंने एक क्वालीफाइड सिटीजन मिल जाएगा। यहोजियां पॉलिसीज आई, और स्टूडेंट नूं जे ये कहिए कि जिहड़ा डिजर्विंग स्टूडेंट है उन्हूं किसी भी कंट्री दा वीजा लेना मुश्किल नहीं है, चाहे वह USA जाना चाहे, चाहे वह कैनेडा जाना चाहे, चाहे वह न्यूजीलैंड जां आस्ट्रेलिया किते भी जाना चाहे। डिफरेंस की आया वे पिछले 20 सालां दे विच ये लगता है कि स्टार्टिंग विच आर नॉट फिट फॉर दिस सिस्टम, उन्होंने लोगों को ही बाहर जाना सीगा, पेरेंट्स देखते थे ये मुंडा इतने कोई काम नहीं कर रहा, चलो इन्हें बाहर भेज दो, लेकिन हुण हालात चेंज हो गए ने, हुण जिहड़ा डिजर्विंग स्टूडेंट उही जा सकदा है, बिल्कुल ठीक, जिहदे क्वालीफाइड अच्छा मार्क्स के बच्चे हैगे ने उही जा सकदा। कैनेडा की गल करिए मैं कहांगा कि 60% तो घट बच्चे कैनेडा वास्ते अप्लाई नहीं करना चाहिए। सिमिलरली आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वो भी अच्छी परसेंटेज अच्छी प्रोफाइल के बच्चों एक्सैप्ट करते हैं। कुछ हालात बखते हिसाब न गवर्नमेंट पॉलिसीज का होया, कुछ बच्चों को लगता कि मैं इस वास्ते नहीं डिजर्व करता, दूजे वास्ते डिजर्व करता, पर एडवर्टीजमेंट ज्यादा बड़ा अफेक्ट नहीं कर दी, पॉलिसीज अफेक्ट कर दी। इसे चीज़ के विचों जो एक चीज़ असी नज़र मारते हैं, USA नू पंजाब दे विच समय समय नाल हर वक्त नहीं, कंटिन्यू नहीं कदे भी होया कि अज कैनेडा लगातार जिवें तुसीं गल कीती कि 2009 तो अज तक, या न्यूजीलैंड उदों तो लैके जां UK उदों तो लैके जां आस्ट्रेलिया उदों तो लैके प्रमोट किया जाता, जो वक्री गल है कि जो वीज़ा स्ट्रिक्ट होंदा थोड़ा जिहा घट जाता, पर USA बहुत वक्त ही आंदा है, 6 महीने पूरा जोरां दे उपर एडवर्टीजमेंट चलती है, फिर बंद हो जाता है। कईयां नू तां असीं वी रिक्वेस्ट करदे हां जी USA की डिमांड आ रही है आगे बोलो, नहीं टाइम नहीं जी मेरे को, या मैं जा नहीं सकता जी, TV ते इस तरह दी गल्लां होंदियां। USA दा वाकई वीजा खुल्लिया, कोई पॉलिसीज चेंज होईयां ने, या की कारण एडवर्टाइजमेंट दे विच हड़ाया पिया इस वक्त?
पॉलिसीज़ ओही रहियां ने। हिंदुस्तान तो सब तो ज्यादा स्टूडेंट जिहड़ा जांदा यूएसए जांदा पिछले सालों दे विच, मैं भी पंजाब दी दा रेशो घट है, पंजाब दी रेशो बहुत घट है, लेकिन जिहड़े स्टूडेंट जांदे ने ओह डायरेक्टली अप्लाई करदे सीगे। स्टूडेंट नूं अवेयरनैस घट सी, जिहनूं अवेयरनैस सीगी ओह एक दूसरे नाल दोस्तां नूं मिल के ओह करदे सीगे, लेकिन पॉलिसियां ओही ने। यूएसए पहलां भी ओही सी, हुण भी ओही सीगा। साउथ वल करिए, गुजरात दी गल करिए, उत्थों असीं बच्चियां नूं लैंदे आ ते ओही पॉलिसीज़ ने, ओहो जिहे बच्चे जांदे ने। हुण इह है कि लोकां नूं लगन लग गया जी हाँ यूएसए हो गया, यूएसए हो गया, उहदे नाल इह जरूर है कि हले भी हर बच्चा यूएसए नहीं जा सकता। जिहड़ा बच्चा डिजर्विंग हैगा, एक किते किते गल करदे आ कि विदाउट आइल्स जिहदे कम्यूनीकेशन स्किल्स बहुत अच्छे ने, इंटरव्यू अच्छी तरह फेस कर सकदा, उहदी अकैडमिक प्रोफाइल अच्छी है, उहदे पेरेंट्स कोल फंड्स हैगे ने, उहदे नूं वीजा लैण विच कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। ते जिहड़े बच्चे दे मार्क्स घट ने, उहदी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उहनूं यूएस दा वीजा नहीं मिलेगा जी। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਊ, ਅੱਛਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਮੂਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ਯੂਐਸਏ। ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਕੀਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਊਮਰ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ 70% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਰਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ 2-3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ I-20 ਲਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ I-20 ਲਏ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣ, ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੈਪ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਪੋਸ ਕਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਐਸ ਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸਕੇ, ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 2-4-5-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਐਸਏ ਬਾਰੇ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। 10+2 ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2+2 ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $10,000 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ।
जदों यूएसए के डेलीगेट नाल गल करदे आ, ओह कहिंदे काश साडी भी इमीग्रेशन पॉलिसी उन्नी ही ट्रांसपेरेंट हुंदी जिन्नी कैनेडा दी है, क्योंकि यूएसए दे विच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम कोई वर्क परमिट बिल्कुल ए डिसाइडेड नहीं है कि उन्हें मिलेगा, उहदी ओपीटी अप्रूव होएगी जां नहीं होएगी। इह सारा कुछ देखण तों बाद पेरेंट्स आ बच्चां नूं डिसाइड करना चाहीदा हैगा। कई वारी साडे कोल बच्चा आउंदा जी मैं यूएसए जाणा चाहुंदा वां, पर उहदी प्रोफाइल देखण तों लगदा हैगा कि इह कैनेडा दा वधिया स्टूडेंट हैगा, उहनूं बोल्ड करीदा तूं यूएसए ना जा, तूं कैनेडा जा सकदा हैगा। इहदी प्रोफाइल, बच्चे दी प्रोफाइल, पेरेंट्स दी फाइनैंशियल स्टेटस किस तरह का है, वह सारा कुछ देखने तो बाद यह जज हो जाता है कि यह बच्चा किहड़े कंट्री वास्ते। जो तुम किसी की काउंसलिंग करते हो तो यह ना देखो कि हुण की होएगा, यह देखना पेगा आने वाले 5 साल या 10 साल बाद इस फैमिली की सिचुएशन की होएगी, बच्चा कितने खड़ा होगा, कि यह फैमिली सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यह लंबा चौड़ा जी एक्सपीरियंस तो बाद पता लगता कि बच्चे असं कितने भेजना है। जो भी कोई कंसल्टेंट किसी बच्चे लेंदा तो मैं अपनी टीम भी यह गल करता कि यह सोचना चाहिए कि यह बच्चा मेरा रैलेटिव है, यदा मैं कैरियर मेरे हाथ च आया होया तो मैं इनू किस तरीके नाल इहदी वधिया इहदी सपोर्ट कर सकदा। वह बच्चे ने 5 साल 10 साल बाद भी तुहानू मिलना हैगा, जे वह 10 साल बाद तुहानू चंगा नहीं बोलेगा इट मीनस तुहाडी काउंसलिंग दे विच उस टाइम कमी सी। सुपंबला साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी जिहड़ी दित्ती है, इहदे संबंध दे विच इक विद्यार्थी नूं असीं होर गाइडलाइन देनी चाहवांगे कि सैमीनार जिवें असीं शो दे विच दस रहे हां, एक एक बच्चा जिहड़ा काउंसलिंग लै सकदा अपने करियर की काउंसलिंग संबंधी जिहड़ी जानकारी हैगी वख वख डेटा नूं वख वख शहरां दे विच दित्ती जा रही है, जिवें कि 13 तरीक नूं चंडीगढ़, 14 तरीक नूं लुधियाना, 15 तरीक नूं जलंधर, 16 तरीक नूं श्री अमृतसर साहिब विखे और 17 तरीक नूं नवांशहर, एक बार फिर 18 तरीक नूं दफ्तर विखे जिहड़ा हैगा बी एन ऑफिसर्स दे एक बार फिर ऑर्गनाइज़ किया जाएगा सैमीनार जिहड़ा हैगा। सो सैमीनार दे आऊँगा सिर्फ 2 मिनट लई, पंबला साहब एक किस मकसद लई किए जा रहे हैं सैमीनार्स? इस करके किए जाते जी, कई बार तो बच्चा दूर तो ऑफिस तक ट्रैवल नहीं कर सकता, जिवें अलग अलग लोकेशन के उत्ते ऑफिस हैगी है, तो बच्चा तो पेरेंट्स कट्ठे आके मिल सकते हैं। दूसरा, डेलीगेट्स नूं डायरैक्टली मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इहो जे हुंदे ने जिहड़े बच्चे दे क्वेश्चन हुंदे ने ते डेलीगेट कोल उहदा आंसर हुंदा वै। असीं किन्ना भी कह लईए कि साडी टीम बहुत एक्सपर्ट हैगी है, पर उत्थों दी गल जिहड़ी कैनेडा दी गल करिए उह उही डेलीगेट ही आंसर दे सकदा। सैकंडली, कई वारी बच्चे दी एप्लीकेशन डिसाइड होण नूं बड़ा टाइम लग जांदा, ते उह मौके ते एप्लीकेशन डिसाइड हो जांदी है वी आइदर उहनूं एडमिशन मिलेगी जां नहीं मिलेगी। इह सारे मकसद नूं लै के बच्चिआं नूं इकट्ठे करके पेरेंट्स नूं ते मैं खुद उस सैमीनार दे विच जांदा वां ते बच्चों नूं मिल जांदा, अदरवाइज कई बार अलग अलग लोकेशन से असीं ट्रैवल करते हैं तो बच्चों नूं नहीं मिल पाते, डेटा फिक्स करके ताकि बच्चे का जिहड़ा नैक्सट प्रोग्राम हैगा उन्हें एडमिशन लैनी है उन्हें वीजा प्रोसैस करना वै वह मौके से डिसाइड हो सके जी। बोलो सब कौन ये पार्टीसपेट कर रही ने, कोई कॉलेज जिन्हें असीं सैमीनार कर रहे हैं वह यूएसए दी 5-6 यूनिवर्सिटी के कॉलेज के डेलीगेट, 10-12 घट ही होया यूएसए के डेलीगेट्स हो, बिल्कुल बहुत घट होया जी, ये पहली बार नहीं, एक बार इस तो पहला भी असं सैमीनार्स कर सके हैं यूएसए के डेलीगेट्स उदों भी बुलाया सीगा, हुण भी यूएस के डेलीगेट्स जिहड़े कैनेडियन यूनिवर्सिटी के कॉलेज के डेलीगेट्स ने उन्होंने इतने बुला रहे हैं ताकि वह बच्चों को मिल सकन, बच्चों को डिसाइड कर सकन। कई बार बच्चा एक कोर्स के उत्ते फिक्स हो जाता कि मैं यही कोर्स करना है, पर डेलीगेट उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दे सकता, डिफरेंट लोकेशन की गल कर सकता, जिवें कैनेडा की गल करिए कैनेडा आम लोगों के दिमाग हैगा जी टोरंटो के वैनकूवर तक ही सीमित है, लेकिन उस तो बाद भी बहुत सारिया डेस्टीनेशन है, विनीपैग है, कैंपलू है, ओटवा है, किंगस्टन है, बहुत सारी लोकेशनस है जिथे जाके बच्चा पढ़ सकता, जिथे जाके ज्यादा कोर्सिज लै सकता वै, उसकी मनपसंद उन्होंने कोर्सिज मिल सकते हैं। कदों उसकी कोर्स डिसाइड डेट की हैगी है, बच्चे का कन्फ्यूजन दूर हो जाता, नैट पर बैठ के इन्नी सर्च नहीं की जा सकती, काउंसलर इन्नी रिपोर्ट ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो डेलीगेट उन्होंने डायरैक्टली इन्फॉर्मेशन। कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया तो भी आ रहे हैं डेलीगेट्स, बच्चों को तुम सदा दे रहे हो? नहीं जी, ये डेलीगेट जो ने यूएसए से कैनेडा तो आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वास्ते जिहड़े ने वो मेरा स्टाफ उहदे ते काउंसलिंग करेगा जी। मेरे ख्याल बच्चों को तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, जिहड़ा बच्चा किसी भी कंट्री जाना चाहता, असीं 4 कंट्रीज उत्ते साडी टीम पूरी काम करती है, तो बच्चे जिहड़े भी किसी कंट्री जाना चाहते ने वो इत्थे आ सकते हैं। थोड़ा जिहा मैं कैनेडा वाल 2-3 मिनट लाने चाहूंगा, जनवरी इनटेक है, जिवें तुसीं पहलां भी जिक्र किया कि 2009 तो बड़ा प्योरीफाइड सिस्टम एसपीपी शुरू होया, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स नाल पैरेलल जिहड़ा प्रोग्राम हैगा जनरल कैटेगरी दा भी चलता है, कुछ लोग उन्हें भी प्रमोट करते हैं, पर सक्सैस रेट कारण बहुत ज्यादा हरमन प्यारता दी जिहड़ी हैगी पंजाब दे विच नहीं रही है, यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम ने, सो वख वख ऑप्शनज ने। जो असं एस पी पी वाल झात मारते हैं अक्सर असं गल करते हैं कि कोर्स रेलीवेंट होवे उत्थे जाके पढ़ो, पी आर लो, मोटिया मोटिया गल्लां जिहड़ियां असं दसण की कोशिश करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तो भुमला जी गल कर रहे थे कि कुछ गल्लां ऐसियां जिहड़ियां विद्यार्थियों को नहीं दसियां जांदियां, थोड़ा मैं चाहूँगा तुहाडा तजर्बा जिहड़ा हैगा ज़्यादा हैगा बाकी कंसल्टेंट्स के मुकाबले, सो तुसीं की कहना चाहुंदे हो कि करियर काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो कैनेडा जाने वाले बच्चे को किहड़ियां किहड़ियां गल्लां का ख्याल रखना चाहिए?
कोर्स चूज करना बहुत जरूरी है, डेस्टिनेशन केड़े लोकेशन ते जाना ये बहुत जरूरी है। तो जदों भी असी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं हर बार जाने तो बाद नवी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जेडे 10+2 वाले बच्चे ने कईयों तो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स दे देंगे, कुछ इंस्टीट्यूट यहोजे ने जो 1 साल का प्रोग्राम देने तो बाद 1 साल का प्रोग्राम जो कंप्लीट हो जाता तो बच्चा उस प्रोविंस जाके PR अप्लाई कर सकता 1 साल बाद। और कुछ प्रोविंस यहोजियां है जे इंडिया तो बच्चे ने BTECH की हुई है, 4 साल का प्रोग्राम किया उत्थे भी 4 साल की BTECH हैगी है। कुछ इंस्टीट्यूट्स उन्हें 2 साल का प्रोग्राम डिलीवर करते हैं, 1 साल की स्टडी होएगी 1 साल का वर्क परमिट हो जाएगा। वह 2 साल के बच्चा 1-4 साल की नवी एक बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की कैनेडियन डिग्री एक ले लेगा ताकि उन्हें PR अप्लाई करने वास्ते आसानी हो जाएगी। इसे तरह जो BTECH के बच्चे ने 70% तो उपर मार्क्स वाले बच्चे ने उन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चाहे वह मकैनिकल च है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस है, इलैक्ट्रीकल ने प्रोग्राम उन्होंने मिल जाते हैं। कई बार बच्चे इनफॉर्मेशन ना होने कारण या कंसल्टेंट इनफॉर्मेशन ना होने के कारण वह ग्रैजुएट डिप्लोमा तक ही सीमित रह जाता, वह मास्टर डिग्री कर सकता, मास्टर डिग्री करने तो बाद इमीजिएटली PR पा सकता है। बहुत सारी इनफॉर्मेशन कैनेडा नूं मैं यह कहांगे कि जी बहुत मैनूं मौका मिलिया कैनेडा नूं घूमण दा, अलग अलग सिटी दे विच जाण दा, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज दे विच जाण दा। बहुत सारे प्रोग्राम इहो जे ने जिहड़े नहीं पता हैगे ने, जदों तुसीं किसी भी एक्सपीरियंस आदमी दे नाल एक्सपीरियंस कंसल्टेंट दे कोल जाओगे, उहदी टीम दे कोल जाओगे जिन्हां नूं पता है कि असीं इस बच्चे दा इस प्रोग्राम वास्ते वीजा लवाया सीगा, वह तुहानूं वधिया इनफॉर्मेशन दे सकदा। सैकंडली जिहड़े बच्चे 10+2 होण कर रहे ने, सब तो वड्डी रणवीर जी प्रॉब्लम की आ रही है, लो प्रोफाइल वाले बच्चों का वीजा रिफ्यूज होंदा। मैं पेरेंट्स से बच्चों को अपील करांगा कि जे तुहाडा बच्चा 10+2 2016 च पास आउट कर लग्या तां उहदी ट्यूशनज लगाओ, जो भी कुछ कर सकते हो करो, तो वो मार्क्स 70% तो जो उपर आ जाते हैं, 65 तो मिनीम आने चाहिए ने, 70 तो उपर आ जाते तो वो वीजा लगन के चांसिस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिनी अकैडमिक प्रोफाइल अच्छी होएगी, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होएगी, वीजा लगन के कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैनेडा एक योजा कंट्री है जिसे फंड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फंड्स वह GIC करा दो, फीस जमा करा दो, पेरेंट्स की इनकम हो वीजा लैंड कोई मुश्किल नहीं है। तो सब तो बड़ा इंपोर्टेंट है वो जी अकैडमिक प्रोफाइल है बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक स्पेशली फेसबुक से जो मैसेज आया मेडिकल वाले बच्चे ने भेजा कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो बच्चे ने बायोलॉजी वाले बच्चे ने उन्होंने USA और स्पेशली कैनेडा वास्ते भेजा कि साडा की स्कोप है, की फ्यूचर है, किस तरह के कोर्सेस किस आधार पर लीए, किस तरह के जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने दाखिला लीए। कैनेडा के बहुत सारे हैल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे मैथ की लोड नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट योजे ने जिन्होंने मैथ एक अडिशनल सबजैक्ट दे के अगे वास्ते अगला कोर्स प्रोग्राम कर सकता है। कैनेडा च भी प्रोग्राम है और USA के भी, USA जो बच्चा मैडिकल लाइन के जाना चाहते हैं उन्होंने प्री मैडिकल का एक प्रोग्राम हैगा वै जो कम्यूनिटी कॉलेज कराते हैं, 2 साल का प्रोग्राम करने तो बाद अच्छी मैडिकल लाइन के जा सकता है। वड्डे लैवल पर किसी ने कोई MBBS वगैरह करनी भी पॉसीबल है USA नहीं, ये ज़्यादा पॉसीबल नहीं है USA के, मैं नहीं कि MBBS मिली हले। US दिया कुछ यूनिवर्सिटियां आउट ऑफ USA जाके वो करवा रही ने, इदा क्योंकि मैं देखा कि बाहरले जो बच्चे ने अमेरिका या कैनेडा के इंडिया के MBBS करने वास्ते आते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम जो डायरैक्टली नहीं जुड़े हुए, और कैनेडा के कैनेडियन हैल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया वै, पहला 1 साल का सीगा, फिर वो इंस्टीट्यूट ना साड़ी जदों द्वारा मीटिंग हुई वो 2 साल का प्रोग्राम हो गया। जिन्हें इंडिया के डॉक्टर्स ने, नर्सिस हैगियां ने, फार्मेसिस्ट हैगे ने, डेंटिस्ट हैगे ने, ये 2 साल का कैनेडियन हैल्थ केयर प्रोग्राम करने तो बाद 3 साल का उन्होंने वर्क परमिट हो जाता ताकि उस लाइन के एडजस्ट हो जाते हैं। मोहाक कॉलेज की जी लोकेशन हैगी है वह टोरंटो तो 100 किलोमीटर 1 घंटे की ड्राइव के उत्ते हैगी है। 6 हॉस्पिटल ने उहदे नाल मैनूं उत्थे जाण दा मौका मिलिया, उहनूं रहण दा मौका मिलिया, 6 हॉस्पिटल जिन्हां नूं हैल्थ प्रोफेशनल दी बहुत ज़्यादा जरूरत हैगी है। और पर एक शर्त है कि वह बच्चे दे जिहड़े IELTS स्कोर है 6.5 नॉट लैस दैन 6 होना चाहिए, वह बच्चे ही उहदे च जा सकते हैं। मैडिकल सो एक बार फिर तुहानूं दस दईए कुछ बच्चे जिहड़े ने उह अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जिन्हां दे वीज़ाज BNO ओवरसीज़ वालों लगे भुंबला जिन्होंने अपनी एफर्ट्स करके लवाए, कुछ गल्लां उस जिहड़ी तजर्बा हैगा साझा करना, उस तो बाद फिर तुहाडे नाल साझी करदे हां। मेरा नाम अंशुल बेरी है ते मैं जलंधर सिटी तो बिलोंग करदा। मैं काफ़ी देर तो सोच रहा कि मैं बाहर अब्रॉड जाने का ट्राई कराँ, तो मैं अपने एक फ्रेंड नाल कॉन्टैक्ट किया जो कि 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गया सीगा, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि तू BNO ओवरसीज तो थोड़े अपने सजेशन से अपनी पूरी कर लै जो भी तेन चाहिए हैगा। तो मैं इतने BNO ओवरसीज से आया तो मैंने इतने का स्टाफ काफ़ी वधिया लग्या, तो मैंने इन्होंने पूरा वधिया तरह हर एक चीज़ सजेशन दिता,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਓਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਮਲਾ ਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਸੀ ਮੰਥ ਦੀ 18th August ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲੂਮਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਫਿਸ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਡੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੂਐਸਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਭੁੰਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕਸ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ Hello, my name is Jasdeep Singhil. I did my schooling from Bishop Pernod School, Shimla. Later I did BBA. And I had always a dream that I want to study in US. I heard about this BN overseas. I came to them. Their service was really very nice. Very cooperative people. And this is how I got the visa. Well, I'm really very happy and I really appreciate that. Thank you. ਹੈਲੋ ਟੂ ਆਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਵੀਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਵੀਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13, 14, 15, 16, 17, 18 ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 16 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 18 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਅਤੇ 18 ਵਾਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਰਾਇਣ ਕੋਂਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭੁੰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੈਬਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪਟੰਬਰ 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਿਸ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਇਲਸਾ ਸਕੋਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੀ ਭੁੰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਪੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ
बहुत अच्छी सिचुएशन है जी। असी एक शायद एक बच्चे ने बोलिया भी 18 तरीक नूं वीजा अप्लाई किया 10 दिन बाद उहदा वीजा अप्रूव होकर आ गया। जिहड़े बच्चे 60% तो उपर मार्क्स वाले ने आइलसा स्कोर जिन्हां दा अच्छा है और जिहड़े फंड उहनां दे पेरेंट्स दे कोल ने जस्टिफाइड फंड ने उहनां दे वीजा आने दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं। पर गैप ना होवे स्टडी दे विच, रैगूलर स्टडी होवे, जिहड़ा प्रोग्राम उहने कीता होया उही प्रोग्राम जस्टिफाई करदा होवे ते वीजा लैण दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आस्ट्रेलिया ना ही बंद होया। थैंक यू जी भुमला साहब, मेहरबानी। उम्मीद करांगे कि अगले फिर सद्दे दे उपर इन्हां नूं बुलाउण दी कोशिश करांगे, जो कि वक्ख वक्ख जिहड़े सैमीनार इन्हां वल्लों फिर ऑर्गेनाइज़ कीते जा रहे हैं। डेलीगेट्स आ रहे हैं क्योंकि स्पैशली बच्चे पुछदे ने जी यूएसए दे डेलीगेट्स कदों आने ने। सो बीएन ओवरसीज़ वल्लों 13 तों लैके 19 तरीक तक जिन्ने भी सैमीनार ने इन्हां दे विच यूएसए दे डेलीगेट्स आणगे। तुसीं इन्हां दे विच भाग लैके वधेरे जानकारी लई यूएसए संबंधी किसी भी तरह की अपनी जानकारी जिहड़ी हैगी हासिल कर सकदे हो। अपॉइंटमेंट लई नंबर फ्लैश कीते जा रहे हैं, ईमेल एड्रैस है, फेसबुक है, हर तरह जी सुविधा है तुहाडे लई इन टच होने की। बीएन ओवरसीज़ नूं शो द्वारा देखना चाहते हो कल ही प्रोग्राम लैके 3:30 बजे हाजिर होंगे। उदों तक अपने दोस्त रणबीर सिंह नूं अगे दे शुक्रिया, धन्यवाद।